आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी टेबल में बैकस्पेस व डिलीट बटन का उपयोग करने पर क्या अंतर आता है। हमारे सामने एक टेबल तैयार है और इस टेबल में किसी भी कॉलम या रो को अगर हमने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने फादर वाले कॉलम को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके अगर मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूँगा, उस कॉलम में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो डिलीट हो गई हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड करके हम अंडू कर लेते हैं। और अगर मैं डिलीट की बजाय बैकस्पेस बटन का यूज़ करूँगा तो पूरा का पूरा सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही रो पर भी हम करके देख सकते हैं। तो किसी एक रो को मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस किया तो रो में जितने भी कंटेंट हैं वो डिलीट हो गए हैं। कंट्रोल प्लस जेड कर लेते हैं और अगर डिलीट की बजाय बैकस्पेस करते हैं तो पूरा का पूरा रो डिलीट हो गया है। ये तो हमने एक कॉलम या एक रो पर किया। अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम या रो पर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने जैसे दो कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया तो दोनों कॉलम हमारे पास अवेलेबल है लेकिन खाली हो चुके हैं। हम नई डाटा एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस जेड करते हैं और डिलीट की बजाय बैकस्पेस करेंगे तो दोनों कॉलम रिमूव हो गए हैं। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हमने ज़्यादा रो सेलेक्ट कर लिए, जैसे मैंने तीन रो सेलेक्ट किए हैं और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो तीन रो हमारे सामने हैं लेकिन उनके अंदर के कंटेंट रिमूव हो गए हैं। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करते हैं और डिलीट की बजाय अगर हम बैकस्पेस करते हैं तो तीनों की तीनों पूरी रोज ही रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस जेड कर लेते हैं। अब ऐसे ही ये तो हमने कॉलम और रो के लिए किया था। अगर मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने प्लस हैंडल पर क्लिक करके पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली और कीबोर्ड से मैंने डिलीट बटन प्रेस किया तो पूरी टेबल खाली हो गई है। टेबल हमारे सामने है और उसके अंदर के कंटेंट रिमूव हो गए हैं। कंट्रोल प्लस जेड करते हैं और यदि डिलीट की बजाय बैकस्पेस बटन का यूज़ करते हैं तो पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस जेड करके हम वापस ले आते हैं। टेबल को डिलीट करने के लिए आपने इससे पहले भी एक तरीका सीखा था। लेआउट टैब में टेबल पर हमने क्लिक किया और लेआउट टैब में हमें मिलता है डिलीट ऑप्शन और डिलीट में मिलता है डिलीट टेबल। तो एक तरीका तो ये था डिलीट टेबल और दूसरा तरीका है टेबल को प्लस एंटर पर क्लिक करके हमने सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से डायरेक्ट हमने बैकस्पेस बटन प्रेस कर दिया। तो टेबल को डिलीट करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। आपको समझ में आया होगा कि किसी टेबल में अगर किसी कॉलम को या रो को या पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो वह कॉलम या रो या पूरी टेबल खाली हो जाएगी, उसके अंदर का डेटा रिमूव हो जाएगा और टेबल हमारे सामने खाली होगी। और डिलीट की बजाय हम अगर बैकस्पेस की का यूज़ करते हैं तो सिलेक्टेड कॉलम या रो या टेबल पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। तो साथियों कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।